भी उसे पैसा कमाना हर कोई चाहता है, कोई लिस्टिंग गेन्स तो कोई लंबे अवधि के लिए आईपीओ में पैसा लगाता है। अगर आप भी बम्पर पैसा कमाने की फिराक में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। असल में देश का जाना माना स्नैक्स ब्रांड अपना आईपीओ लाने वाला है। इसका नाम हर किसी की जुबान पर बैठा हुआ है। भूख मिटानी है तो हल्दीराम बेस्ट है। स्नैक के मामले में भी हल्दीराम ग्रुप का कोई जवाब नहीं। तभी तो हल्दीराम के देश भर में 150 के आसपास रेस्टोरेंट हैं और ये अब अरबों डॉलर की कंपनी बन गई है। तो चलिए अब हल्दीराम कंपनी कब अपना आईपीओ ला रही है और इसकी और क्या क्या योजना है ये भी जान लीजिए। हल्दीराम अगले 18 महीनों में अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लाएगी। इसके साथ ही हल्दीराम परिवार अपने नागपुर और दिल्ली मुख्यालय वाले बिजनेसों को मिलाकर एक संयुक्त कंपनी बनाने की योजना पर भी काम कर रही है। दोनों पक्षों ने मर्जर की प्रक्रिया पर बातचीत भी शुरू कर दी है और अगले एक साल में इसको अमलीजामा भी पहना दिया जाएगा। अब हमने ऊपर हल्दीराम परिवार की बात की है, जरा इनके पूरे परिवार को भी जान लीजिए। हल्दीराम एक 80 साल पुराना देश का जाना माना स्नैक्स ब्रांड है। इसकी शुरुआत राजस्थान राज्य के बीकानेर में एक छोटी दुकान के रूप में हुई थी। गंगा बिश्न अग्रवाल ने साल 1982 में हल्दीराम स्नैक्स कंपनी की शुरुआत की थी। अभी यानी वर्तमान में हल्दीराम को इसके संस्थापक यानी गंगा बिश्न अग्रवाल की तीसरी पीढ़ी चला रही है, जिसमें शिव किशन अग्रवाल, मनोहर लाल और मधुसूदन अग्रवाल का नाम शामिल है। सबसे बड़े भाई शिव किशन अग्रवाल नागपुर मुख्यालय वाले हल्दीराम स्नैक्स को चलाते हैं, जिसका पश्चिम और दक्षिण भारत के मार्केट पर मजबूत पकड़ है। वहीं दिल्ली मुख्यालय वाली संस्था हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल को दो भाई मनोहर और मधुसूदन अग्रवाल मिलकर चलाते हैं। बता दें ये चारों भाई अपने यानी सगे भाई हैं और इनके दादा यानी गंगा बिश्न अग्रवाल ने ही हल्दीराम की स्थापना की थी। अब हल्दीराम के बारे में जान लीजिए। हल्दीराम 80 साल पुराना देश का जाना माना स्नैक्स ब्रांड है। इसके FMCG प्रोडक्ट्स वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी धूम मचा रहा है। हल्दीराम अभी 70 से ज्यादा मिठाइयां और नमकीन प्रोडक्ट्स बेचता है। हल्दीराम के दिल्ली में 100 रेस्टोरेंट हैं। इसके अलावा नागपुर में 30-40 रेस्टोरेंट हैं। भारत के साथ साथ ग्लोबल बाजार में भी हल्दीराम अपना रिटेल आउटलेट का एक्सपेंशन करना चाहता है। अभी हल्दीराम कंपनी की बात की जाए तो ये अरबों डॉलर की कंपनी बन चुकी है। जाते जाते हल्दीराम के वंशज यानी फिल्मी मेंबर के द्वारा खड़ी की गई ब्रांड के बारे में भी जान लीजिए। बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के संस्थापक शिव रतन अग्रवाल दुनिया भर में मशहूर ब्रांड हल्दीराम्स के संस्थापक गंगा भिशुन अग्रवाल के पोते हैं। शिव रतन अग्रवाल साल 1986 में अपने अलग ब्रांड शुरू करने से पहले तक हल्दीराम से भी जुड़े हुए थे, लेकिन वो कुछ अलग करना चाहते थे। दरअसल उनका सपना था कि वो बीकानेर में ही अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें और यहाँ रोजगार का मौका पैदा करें, इसलिए उन्होंने बीकानेर में अपना प्लांट शुरू किया। बता दें आज बीकानेर में 250 से भी ज़्यादा लोगों को काम मिला हुआ है। शिव रतन अग्रवाल ने शुरुआत सिर्फ बीकानेर भुजिया से की थी, लेकिन आज बीकाजी 250 से ज़्यादा तरह के स्नैक्स बाजार में उपलब्ध करा रहा है। बीकाजी का आईपीओ पिछले महीने यानी 7 नवंबर को बंद हुआ था और इसको निवेशकों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। निवेशकों ने बीकाजी के आईपीओ को करीब 26.67 गुना अधिक सब्सक्राइब किया था। इसका प्राइस ब्रांड 285 से 300 रुपए प्रति शेयर था। अभी बीकाजी मार्केट में लिस्ट हो चुकी है और इसका शेयर शुक्रवार यानी 18 नवंबर को 314.80 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। इसमें -0.83% का गिरावट देखने को भी मिला था। बीकाजी शेयर का 52 वीक हाई 334.70 रुपए है, वहीं इसका 52 वीक लो 303 रुपए है। फिलहाल सबकी नजर बीकाजी के आईपीओ के बाद हल्दीराम के आईपीओ पर होगी, क्योंकि हल्दीराम के पास एथनिक स्नैक्स का 48.5% मार्केट शेयर है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में दोनों हल्दीराम कंपनियों का संयुक्त रेवेन्यू 9000 करोड़ रुपए था। तो आप भी आईपीओ से पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह से इस आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।